आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज़ 10 के वाटर मार्क को आप किस तरीके से हटा सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिवेटेड विंडोज़ का वाटर मार्क आ रहा है, विंडोज़ 10 है हमारा। तो इस एक्टिवेटेड विंडोज़ के वाटर मार्क को आप किस तरीके से हटा सकते हैं अपने सिस्टम से, तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने विंडोज प्लस आर को साथ में दबाना है, साथ में क्लिक करना है। विंडोज प्लस आर आप जैसे ही करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे रेजेडिट लिखना है। इस ओपन रन कमांड में रेजेडिट लिखने के बाद आपको सिंपली इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है फ्रेंड्स। यस करने के बाद देखो आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा। आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन को एक्सपेंड कर देना है इसे क्लिक करने के बाद। फिर आप देखो यहाँ पे नीचे में सिस्टम है, तो आपको सिस्टम को एक्सपेंड कर देना है। सिस्टम को एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पे देखो करेंट कंट्रोल सेट है, तो करेंट कंट्रोल सेट को आप एक्सपेंड कर दो। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको सर्विसेज मिल जाएंगे, तो आप सर्विसेज को एक्सपेंड कर दो। सर्विसेज को एक्सपेंड करने के बाद आपने ढूंढना है SVSVC, तो चलो मैं इसे ढूंढता हूँ। SVSVC को आपने सिंपली ओपन करना है फ्रेंड्स। SVSVC, ये देखो हमारा यहाँ पे SVSVC है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट है, ये सारे आपको ये ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट पे ये करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद आपको सिंपली इस डाटा को, ये आपका 3 रहेगा, ये मेरा पहले से किया हुआ था, यहाँ पे आपको 4 करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप सिंपली कुछ मत करो, इसे कट कर दो और अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दो। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा एक्टिवेटेड विंडोज का वाटरमार्क हट चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है।